تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أزيم. मोमिनो खुदा से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर खुदा की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना और मुतफर्रिक ना होना, और खुदा की इस मेहरबानी को याद करो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुँच चुके थे तो खुदा ने तुमको इससे बचा लिया। इस तरह खुदा तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हदायत पाओ, और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं, और इन लोगों की तरह ना होना जो मुतफर्रिक हो गए और अहकाम बयान आने के बाद एक दूसरे से इख्तलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको कयामत के दिन बड़ा अजाब होगा। असद भाई को मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और खुश आमदेद की चांद का नमाज पढ़ा दें। सबसे पहले आप सब लोगों को खुश आमदेद, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के यहाँ आएँ, और ख़ासतौर पे अदील दानिश भाई का जो कि काफ़ी दूर से जो है वो हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पहुँचे हैं। आज की जो ये फोरम है इसका एक तो बेसिक मकसद हमारे मुल्क की हालात पे तबादला ख्याल है, और इसका एक और भी मकसद है वो ये कि हम एक मुकालमे का एक डायलॉग का कल्चर डेवलप करें, और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मतियों में से एक बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में कोई डायलॉग का कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कौम किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाती, और कंसेंसस ना होने की वजह से हमारे हुक्मरान जो हैं हम पे अपनी मर्जी मुसल्लत करते रहते हैं। तो स्वीडन से हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल ये भी एक बहुत एक अच्छी अप्रोच है हमारी कि हम एक यहाँ से इन लोगों की जो डिबेट की डायलॉग की जो एक कल्चर है उसको भी अडॉप्ट करें, और पाकिस्तान जब हम जाएँ तो हम इस कल्चर को मुतारिफ कराएं वहाँ, और होपफुली ये जब कल्चर मुतारिफ होगा तो हमारे हालात बहुत चेंज होंगे। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि इस किस्म के जो फोरम है इसमें कमाल जो है वो हुस्न बयान से ज़्यादा हुस्न समात का है, तो आज हम देखेंगे कि हमें कितना टॉलरेंस है, हमें कितने टेम्परामेंट है दूसरों की बात सुनने का और दूसरों की सही बात को एक्सेप्ट करने का। तो मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि इस किस्म के मज़ीद फोरम्स और डिस्कशन जो हैं इन फ्यूचर भी चलते रहेंगे, और हम इंशाल्लाह इस किस्म के प्रोग्राम मज़ीद आप लोगों का ताबुन रहा इसी तरह तो मज़ीद हम प्रोग्राम जो हैं वो अरेंज करेंगे। तो आज की निज़ामत रिजवान भाई कर रहे हैं, तो मैं रिजवान भाई को देता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रोसीडिंग है उसकी तो तस्वीर इस तरह से है कि कुछ लोग जिन्होंने वॉलंटियरली थोड़ी चीज़ प्रिपेयर की और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर थोड़ी देर बोलेंगे पहले, और अभी उनको वन बाई वन बुलाया जाएगा। तकरीबन उन सारों से गुजारिश है कि 5 से 6 मिनट का टाइम लें, इससे ज़्यादा ना लें करके आगे टाइम डिस्कशन के लिए बच सकें। इसके बाद फिर ओपन डिस्कशन शुरू होगी, तो उसके बारे में जैसे वो करना है वो फिर आपको उसके बाद कन्वे करना होगा। सबसे पहले हिस्टोरिक रेलेवेंस ऑफ द लाल मस्जिद इवेंट, ये इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालने के लिए राशिद भाई को मैं दावत देता हूँ। Thank you.
की बात करने के बजाय जो है ना, मैं आई वुड लाइक कि मैं इस साल में बात करूँ, ताकि एक जब डिस्कशन शुरू हो तो हम आप जो है सारे जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सोच के और जो कुछ हमने सोचा हुआ है वो हाईलाइट कर सकें। लाल मस्जिद की जो हिस्टोरिकल के जो बिट ऑफ हिस्ट्री है वो लाल मस्जिद है, वो हिस्ट्री लाल मस्जिद की बिल्डिंग बनने की या उसकी लाल मस्जिद की इन सब हिस्ट्री नहीं है, बल्कि लाल मस्जिद में जो हमारे मजहबी तबके के नुमाइंदा थे इस केस में मौलाना अब्दुल रशीद गाजी और स्पेशली उनके वालिद जो है मौलाना अब्दुल्ला गाजी, उन लोगों की पाकिस्तान के का जो ग्रोथ है उसमें उनकी रेलिवेंट हिस्ट्री क्या है। और ये अगर आप थोड़ा सा इसको डीपली देखें तो ये सारी की सारी लिंक्ड है और सोवियत वार के साथ। तो ये सारे का सारा जो कल्चर है जिसका जिससे हम अभी गुजर रहे हैं जो है वो बेसिकली अर्लियर जो है ना पाक अफगान वार से थोड़ा पहले प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, जब रशिया ने मुदाखलत करना शुरू की अफगानिस्तान में। फरवरी 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया जो, और फरवरी 1979 में ही अमेरिका ने, जब रेवोल्यूशन आया तो अमेरिका के सारे लोगों को पता कि होस्टेज जो है अमेरिकन को बना लिया गया ईरान में, तो उस होस्टेज क्राइसिस में अमेरिका ने अपने 20 नेवल शिप और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन गल्फ में भेज दिए। और 1979 में ही जो मिडिल ईस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट डिवेलपमेंट हुई वो ये कि इजिप्ट ने अमेरिका के साथ एकॉर्ड कर लिया इसराइल के हक में बाकी सारे अरबों को छोड़ के। और आप सारे लोगों को जो है अंदाज़ा है कि इजिप्ट इससे पहले यूएस का यूएसएसआर का सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा इलाके था इस एरिया में। अब ये 1979 के शुरू के 6 महीनों में दो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई कि उस साइड पे ईरानियन रेवोल्यूशन आया और अमेरिका का एंटी मुल्क एक वजूद में आ गया, क्योंकि शाह वाज प्रो अमेरिकन। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा जो है ना चीज़ों ने टर्न लिया कि इजिप्ट जो है वो अमेरिका के कैंप पर चला गया और इसराइल के बाद सबसे बड़ा अमेरिका से इमदाद लेने वाला मुल्क बन गया। तो सोवियत यूनियन ने इस चीज़ को बहुत अपने ऊपर एक काइंड ऑफ ना उसको कॉर्नर करना जो है ना समझा, और उसने इसकी रिटेलिएशन में, और दूसरी साथ ही ये चीज़ हुई कि उसी ज़माने में अमेरिका ने 5,000 मिसाइल सऊदीया को सेल किए और यमन में सिविल वार जो हो रही थी उसको एड करना शुरू कर दिया। इन तीनों इवेंट्स को मिला के यूएसएसआर ने सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि ये गल्फ के ऊपर अमेरिकन कब्जा कर लेंगे, और उसके रिटेलिएशन के तौर पे उन्होंने अफगानिस्तान के थ्रू गल्फ में आने की कोशिश की। तो पहले वो अफगानिस्तान में इन्वॉल्व तो थे, क्योंकि पहले 3 गवर्नमेंट्स 4 सालों के अंदर वहाँ तब्दील हो चुकी थी, 2 दफ़ा अफगानिस्तान में बगावत हो चुकी थी। और अब ये इस सारे प्रोसेस के नतीजे में जो है 25 दिसंबर 1979 को रशियन आर्मी जो है वो अफगानिस्तान में आ गई है। और ये हालात इस तरह के पैदा हो गए थे जिस तरह आजकल हालात पैदा होते हैं, इस तरह के हालात पैदा हो गए थे कि अमेरिका की इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, रशियन आर्मी ने जो है ना रिटेलिएट किया और वहाँ पे आना शुरू हो गया। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम हुए वहाँ पे अफगानिस्तान में, कि 1975 में रशिया के आने से 4 साल पहले दाऊद की जो गवर्नमेंट थी उस के खिलाफ जमीयत इस्लामी की जो पार्टी है उसने पंजशीर वाली में रेजिस्टेंस की और उनकी गवर्नमेंट को दाऊद की गवर्नमेंट का तख्ता उठने की कोशिश की। वो बगावत कामयाब नहीं हुई तो जमीयत इस्लामी के जो मुजाहिदीन थे वो पाकिस्तान आ गए, और पाकिस्तान में उस वक्त भुट्टो की हुकूमत थी, भुट्टो की हुकूमत ने उन मुजाहिदीन को वेलकम किया और पेशावर में उनका पहला बेस कैंप बना 1975 में, इवन 4 ईयर बिफोर द वार जो है। और यहाँ पे भुट्टो ने उन्हें वेलकम क्यों किया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि दाऊद की जो हुकूमत थी वो पख्तूनस्तान का जो मसला था उसको उस जमाने में भुट्टो के ज़माने में आवाज़ दे रही थी, तो भुट्टो ने उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पे पेशावर में उनका बेस कैंप इस्टेब्लिश किया रशियन आर्मी के आने से 4 साल पहले। उसके बाद रशियन जो है ना आर्मी के आने से पहले जब दाऊद की हुकूमत ख़त्म हो गई और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी गवर्नमेंट है तरकई की वो आ गई, तो उन्होंने रशिया की बेस के ऊपर 2 वहाँ पे काम किए, एक तो फ्यूडलिज्म को अपरूट करने की कोशिश की जो कि पॉजिटिव काम समझा जाता था, और सेकंडली उन्होंने मैरिज लॉ तब्दील कर दिया अफगानिस्तान का। ये यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि किसी तरह के माशरे में जब आप चीज़ें की तब्दील करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है। उसके खिलाफ इतनी शदीद रेजिस्टेंस हुई कि रशियंस के आने से पहले उन्होंने
40,000 लोग गिरफ्तार किए जिनमें से 27,000 लोग कत्ल कर दिए उन्होंने, इन्होंने जो तरकई की जो गवर्नमेंट है। और ये सारी चीज़ें मैं जो फिगर आपको बता रहा हूँ ये बैक्ड है जो बुक्स लिखी गई हैं उसके बाद हिस्ट्री के बारे में, जो उसमें पता है प्लस माइनस हो इन फिगर्स में। अब ये जो रशियन आर्मी के आने से पहले हुआ, और उसमें जो खासतौर पर मुल्ला थे जो है ना, मस्जिदों के इमाम थे जो है ना, उनको खासतौर पर कत्ल किया गया जो तरकई की हुकूमत थी इस उसके दौरान। और वहाँ से जो इस तरह के जितने माइंडेड लोग थे उन्होंने पाकिस्तान माइग्रेट किया रशियन आर्मी से पहले, लेकिन उनकी तादाद कम थी, वो भी उसी बेस कैंप पर जमा होते गए जहाँ पे पहले उनके 1975 वाले लोग मौजूद थे जो है ना, और वो कम्युनिस्ट जो है ना जो गवर्नमेंट थी तरकई की उसके खिलाफ कोशिश कर रहे थे। जब ये रशियन आर्मी आ गई तो फिर सारा कुछ टिल्ट हो गया, क्योंकि आर्मी खुद भी यहाँ पर मौजूद थी और पाकिस्तान ने इस रेजिस्टेंस को मैनेज किया। इस रेजिस्टेंस में यूनाइटेड स्टेट शामिल हो गया, यूनाइटेड किंगडम शामिल हो गया, चाइना ने वेपन्स दिए, सऊदी अरब से फंड आए, और सारा कुछ मिला के पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी रशिया के खिलाफ वार शुरू रही जो 1988 तक जारी रही जो है ना। अब 1988 में जो वार शुरू हुई उसका बूम 1985 में आया जो है ना, और 1985 के जो फिक्र था भैया कि 1985 में आलमोस्ट एवरेज हर रोज़ मुजाहिदीन पाकिस्तानी बॉर्डर के इलाकों से या इनसाइड अफगानिस्तान रशियंस के ऊपर और जो अफगान फोर्सेस के ऊपर 800 रॉकेट फायर करते थे डेली आलमोस्ट 1985 में। और उसके बाद उनकी कमर टूट गई सारी बात से और इस जो है ना सारी रेजिस्टेंस से, और वो रशियंस वापस चले गए। जब रशियन वापस चले गए तो अमेरिकन जो पाकिस्तान को उस वक्त अलाई बना हुआ था उसने फेस टर्न किया और वेंट बैक। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में बना हुआ था मुजाहिदीन के लिए, जिसमें सारी दुनिया से मुजाहिदीन आए, जिसमें इजिप्ट नंबर वन है, सऊदीया नंबर दो है, यमन, सीरिया, इराक, पाकिस्तान के खुद बहुत सारे जो है ना जो पाकिस्तानी मुजाहिदीन थे और जो जिनके बेसिक जो है इनकी जो बेस थी वो मदरसे थे जो सरहदी इलाकों में बने हुए थे। अकोड़ा खटक का अकानिया मदरसा बड़ा मशहूर है, आपने तालिबान रेजिस्टेंस के दौरान सुना होगा उनका, सारे जो है ना नाम उसमें थे जो है ना, जो बड़े बड़े तालिबान के सारे नाम है ये अकानिया अकोड़ा खटक के पड़े हुए लोग हैं जो है ना। तो ये जब सारा कुछ टर्न ऑफ हो गया तो ये लोग वापस चले गए, और उसके बाद पाकिस्तान सोलो फ्लाइट पे रह गया। जो सोलो फ्लाइट में पाकिस्तान ने वहाँ पे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की आईएसआई की मदद से रबानी की, वो गवर्नमेंट टर्न ऑफ हो गई कुछ और सियासी वजूहात की बुनियाद पे, ग्रिप निकल गई शुमाली इतिहाद की वजह से उनकी, और उसके बाद तालिबान वजूद में आए। उसमें तो आपने सारा मरहला, अब सारे लोग उस वक्त मेरे समेत अखबार रेगुलरली पढ़ते थे, तो तालिबान के वजूद में आने के बाद जो है पाकिस्तान के बैठते तीन मुल्कों ने सिर्फ तालिबान को तस्लीम किया, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई शामिल थे, और इन्हीं ने इनको फाइनेंशियल एड दी। जब वो एस्टैब्लिश हो गए तो ये बात अमरीका को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को जो है ना अंडरमाइन करना शुरू किया, और फिर 9/11 का वाकया हो गया। जब 9/11 का वाकया हो गया तो उन्होंने कहा कि जी उसामा बिन लादेन इसका जिम्मेदार है, जिसके उनके पास सबूत नहीं थे और अब भी नहीं है, तो उन्होंने तालिबान को कहा उसे हैंड ओवर करें। उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया तो उन्होंने उसके ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू की। जब बम्बार्डमेंट शुरू की तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि जी आप तालिबान को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करें, और इस बात के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पिछली 1974 से जो पॉलिसी शुरू हुई थी भुट्टो से, और जो 2003 तक चली आ रही थी, जो तकरीबन आलमोस्ट 25 साल पुरानी पॉलिसी थी, वो ओवर द नाइट तब्दील कर दी। और उस तब्दीली की वजह से ये सारा कुछ पाकिस्तान में जो हो रहा है और मजीद होगा जो आप देखेंगे, ये बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठते हैं कि ये पॉलिसी तब्दीली हुई, तालिबान आए, मुजाहिदीन आए, ये जो जो ना कंसेप्ट बना बेशक माशरे में उलमा का, उसका क्या इन्फ्लुएंस था, जो इस जंग के दौरान फ्यूल था वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाता रहा था, जो इंसान जो वहाँ पे काम आए, जो मुजाहिदीन काम आए, उनकी जो है ना जो पॉलिसीज उस वक्त बनी, वो जो लोग ट्रेन हुए उनकी जो है ना फायर बैक वो कैसे कर जो है ना करते, और ये सारी चीज़ जब मिक्स अप हो गई और जब पॉलिसी टर्न हो गई तो अब ये एक रिटेलिएशन बन गई है उस तबके के दरमियान जिसको उलमा प्रो अमेरिकन समझते हैं, और दूसरा वो तबका जो नीचे है जो समझता है कि ये पाकिस्तान के हक में। तो इसमें कोई जवाब नहीं है, बहुत सारे सवाल जो है ये हिस्ट्री इसमें से उठाती है कि ये क्यों हुआ और इसको कैसे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं आज़म अकरम साहब को दावत देता हूँ। जो भी क्राइसिस हुए उसमें जो भी मिसमैनेजमेंट हुई वो उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन जो एक आम सिटीजन के हिसाब से
जो हमने ऑब्जर्व किया एक आम शहरी इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखा था, कितने लोग मेंटली टॉर्चर हुआ है इस सिचुएशन से, जो दोनों तरफ हमारे दोनों पाकिस्तानी हैं और मुसलमान भाई हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और किस तरह हमारे मुआशरा है कि पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया इसकी वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से, और कैसे उसको हैंडल किया गया। और सबसे एक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसकी जैसे एक जुग्राफियाई और एक पॉलिटिकल रीज़न भी थी इसका बैकग्राउंड है, इसी तरह एक और भी इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि इस मसले में दो फरीक बेसिकली नहीं थे, मेरे ख्याल में इस मसले में तीन फरीक थे, एक लाल मस्जिद इंतज़ामिया थी और एक हुकूमत खुद थी और एक हमारे माशरे में जो ऐसी चीज़ें खुद जन्म ले रहे जो कि सो कॉल्ड हम जो कहते हैं कि हमारा माशरा दीनी है और अक्सरियत पाकिस्तान में उन लोगों की है जो चाहते हैं कि इस्लाम से इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या कोई भी एक्ट ना हो। तो ऐसा एक तबका शायद उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गई थी जो कि सो कॉल्ड मॉडरेशन या इनलाइटन मॉडरेशन के नाम पे वो प्रमोट किया जा रहा था, जिसमें मैं भी आगे उसका जिक्र करूँगा वो कौन सा तबका था। तो इसका एक और हिस्ट्री ये भी है कि जो ये शुरू कहाँ से हुआ लाल मस्जिद का मसला, वो जब इस्लामाबाद में सात मसाजिद को शहीद किया गया था, तो ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, यानी दूर रस उसके वो थे, यानी दूर अंदेशी में, लेकिन जो इसके इमीडिएट इसको स्टिमुलेट किया गया वो इस इंसिडेंट से हुआ था कि इस्लामाबाद में जो सात मसाजिद को शहीद किया गया था, तो उसमें से चार गैर कानूनी तौर पर बनी थी जो हुकूमत की ज़मीन थी उसमें, लेकिन तीन उसमें मसाजिद ऐसे थी जो बिल्कुल कानूनी तौर पर बनी हुई थी और उनको उलमाए कराम जो भी थे उनके एतमाद में लिए बग़ैर उनको मसमार किया गया, जिसकी वजह से ये इमीडिएटली स्टिमुलेट हुई थी तहरीक, उसके रिएक्शन में उन्होंने जामे हफ्सा की तालबात ने उन पर चिल्ड्रन लाइब्रेरी पर कब्ज़ा किया और फिर और मुआशरे की दूसरी, क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन कुछ ये मुआशरे की बढ़ती जा रही थी और भी कई लिहाज से फ्रस्ट्रेशन थी, जब वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई तो उनका ये स्टेप हुआ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा लेकिन एक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो था। तो उसके बाद हुकूमत ने उलमा कराम से मुज़ाकरात शुरू किया और उनको यकीन दहानी करवाई कि यहाँ पर मसाजिद दोबारा तामीर की जाएगी, लेकिन बाद में फिर क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप था उनके दरमियान तो उसको मिस हैंडल हुआ और वो मसाजिद तामीर नहीं हुई, जिसके वजह से उनका यानी जो गम गुस्सा था वो बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद इन्होंने आज खुद कानून को हाथ में लिया और जब लाल मस्जिद इंतज़ामिया ने और कुछ कार्रवाई खुद की जो कि कानून से मावरा होकर, जिसमें वो आंटी शमीम के घर पे अटैक करना और वीडियो शॉप्स पे कब्ज़ा करके सीडीज़ और कैसेट्स को जला देना जो कि पुलिस का काम था, वो एक किसी को इख्तियार नहीं है कि वो अपने तौर पे उठ के ऐसी कार्रवाई कर सके। लेकिन इस ना सोचने की बात ये थी कि उस वक्त ये इतने प्री मैच्योर तहरीक थी या जो भी कह दें, उस वक्त अगर कानून कोई हरकत में ले आया जाता तो उस वक्त सिचुएशन को आराम से हैंडल हो सकता था, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए था, उसको प्रोलॉन्ग करने के इतना नुकसान हुआ कि वो ज़्यादा उस बात पे फर्म हो गए। फिर जो बैरूनी जिस ऐसे हुकूमत ने बयान किया जी कि उसमें बैरूनी अनासिर भी शामिल हो गए थे, गैर मुल्की यानी लोग शामिल हो गए थे, तो उनको ऑर्गेनाइज होने का मौका ना मिलता अगर आप शुरू में जिन्होंने कानून तोड़ा था उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज ना होते। तो और फिर जब बार बार जब मुज़ाकरात हुए, आवाम को काफ़ी ब्लाइंड रखा गया इस मामले में, अतमाद में नहीं ले गया कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, और काफ़ी कम्युनिकेशन गैप आया। उसके बाद जब फाइनल ऑपरेशन से पहले जब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को इन्होंने पकड़ा था और उसके बाद सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि ये तहरीक शायद ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो जाएगा मसला, और लेकिन उसके बाद जो हुकूमत की तरफ से एक और जो मिस हैंडलिंग हुई वो ये कि उनको शायद प्रोटोकॉल नहीं दिया गया या उनके उस टीवी चैनल पे ला के बुरके में ला के उनको टीवी पे दिखाना, तो उससे ये तासुर अंदर जो मस्जिद में थे लोग उनको ये तासुर मिला कि अगर हम आएंगे तो हमारी भी यूँ तसली, यानी कि कम्युनिकेशन गैप या ट्रस्ट का जो कमी थी ना उसने उनको ज़्यादा हो गया। फिर रात को 4 बजे तक मुज़ाकरात हुए,
उस मुज़ाकरात में क्या बातें सामने आई ये आवाम को नहीं बताया गया, वो क्यों इस बात पे मसरत मसरत यानी वो थे फर्म थे कि हम बाहर इवन वो अपनी जान पे भी खेल रहे हैं। ये आवाम मेरा ख्याल में आवाम को बताना चाहिए और ख़ासतौर पर हलाकतें भी, और बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब चौधरी शुजात साहब बहुत खुश थे और उन्होंने ऐसे तासर दिया था टी वी पर कि बिल्कुल मसला हल हो गया, लेकिन उसके बाद फिर ये क्यों इतनी हलाकतें हुई ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा कि इसके साथ एक और ये वजह भी है कि अगर हुकूमत एक ख़ास तबके के तबके बनाए क्यों जा रहे हैं हमारे माशरे में, पहले एक्सट्रीमिज़म हम बहुत कम लफ्ज़ सुने थे 9/11 से पहले, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट लोग भी थे तो वो इतने कम थे, लेकिन जब आप किसी चीज़ को ऑप्रेस करते जाएंगे बार बार वो अल्टीमेटली वो चीज़ ऊपर सर उठाएगी। आप बार बार कहेंगे कि उनको दबा दो या मॉडरेट तबका आगे आए और इन एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं उनको दबा दें, तो इस ये हैंडलिंग मेरा ख्याल में बेहतर नहीं है। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह कि मैं उनको डिफेंड नहीं करता, मैं सिर्फ हुकूमत को ज़्यादा ब्लेम इसलिए दे रहा हूँ, मे बी 40-60 वो बिल्कुल गलत थे, उनका एग्जीक्यूशन बिल्कुल गलत था जिसका उन्होंने किया, लेकिन एक बड़े भाई की हैसियत से हुकूमत पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अपने लोगों पर गोलियाँ मैंने किसी मुल्क को नहीं देखा जो अपने मुल्कों पे लोगों पे गोलियाँ चलाता है। तो सिचुएशन उस वक्त ही बेहतर हो सकती थी जब शुरू में इसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता, इसको 5-6 महीने तक ना इसको फैलाया जाता, फिर और आवाम एक ऐसा पाकिस्तानी आवाम के जहन में ये भी आते हैं कि इसकी टाइमिंग क्यों ऐसी रखी गई, ऐसे वक्त पे ये ऑपरेशन क्यों हुआ जब चीफ जस्टिस का इशू बहुत ज़्यादा वो था, और मैं सिर्फ ये हलाकतों की बात कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री में नहीं आ रहा, और जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो ऐसा क्यों किया गया। बहुत शुक्रिया।